गाइस गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से बहुत ही अच्छी वैकेंसी ओपन हुई है। यहाँ पर 10th ITI एवं डिप्लोमा तीनों के लिए वैकेंसी ओपन करी गई है। यदि हम लोग अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पोस्ट बात करें आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग, यहाँ पर काफी अच्छी पोस्ट है जहां पर आप लोग जिसको टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन चीजों को समझ लीजिएगा, यहाँ पर मैं हर चीज को क्लियर कर रहा हूँ, क्या आप लोगों की क्वालिफिकेशन की जरूरत होगी, किस प्रकार आप लोगों को अप्लाई करना है, आप लोगों के एक्सपीरियंस का यहाँ पे क्या रोल रहने वाला है, तो ऑलमोस्ट आप लोगों की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिकॉज जब भी मैं आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट वाली वीडियो बनाता हूं, हर इंफॉर्मेशन उस वीडियो में रहती है। आप लोग वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हो, देन आप लोग कमेंट बॉक्स में या मैसेजेस करते हो, सर क्या क्वालिफिकेशन है, हमने फिटर से ITI करी है, अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कैसे बिल्डिंग इंडस्ट्री से होना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें डाउट आती है, तो यहां पर सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। तो आप लोग देख सकते हो मैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट में हूं। यहां पर आप लोग देखोगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2022 फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की मैं यहां पर बात करने वाला हूं। तो यहां पर हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं और वहां पर डिस्कस करते हैं। गाइस यदि हम लोग गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो यहां पर ये एक मिनी रत्न कंपनी के अंतर्गत आती है जो कि डिजाइन करती है बिल्डिंग शिप, जो कि इंडियन नेवी के काम आता है, इंडियन कोस्ट गार्ड के काम आता है, तो ये सारी चीजें ये करती है। अब यहां पर देखो यदि हम लोग पोस्ट देखें तो नेम ऑफ पोस्ट की बात करें, काफी सारी पोस्ट यहां पर ओपन करी गई है। जैसे कि हम ITI स्टूडेंट्स की बात करें, यहां पर स्ट्रक्चरल फिटर की 34 पोस्ट हैं, जिसको यदि आप लोग अकॉर्डिंग टू कैटेगरी देखोगे यहां पर डिवाइड किया गया है। एंड पे स्किल देखोगे ठीक ठाक पे स्किल है, 15,100 से लेके आप लोगों का 53,000 तक पे स्किल दिया गया है, एवरी ईयर 3% इंक्रीमेंट के हिसाब से एज पर गवर्नमेंट रूल। सारी कुछ चीजें हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मशीनिंग की बात करें 2 पोस्ट है, वेल्डर की बात करें यहां पर 12 पोस्ट है, 3G वेल्डर की बात करें 10 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें यहां पर 16 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल मशीन यहां पर इलेक्ट्रिशियन वाले अप्लाई कर पाएंगे यहां पर आप लोगों की टोटल 11 पोस्ट है, प्लंबर की बात करें यहां पर 2 पोस्ट है, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर की बात करें 1 पोस्ट है। इस प्रकार यहां पर ऑलमोस्ट सारी ट्रेड दी गई है। यदि हम लोग डिप्लोमा स्टूडेंट्स की बात करें तो यहां पर आप लोगों को डिप्लोमा स्टूडेंट्स की भी काफी सारी पोस्ट यहां पर मिल जाती है, जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट, स्टोर इलेक्ट्रिकल है, स्टोर मैकेनिकल है, तो काफी सारी पोस्ट यहां पे आप लोग देख सकते हो। हम थोड़ा सा यहां पे चलते हैं टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल, हम डायरेक्टली किसकी ओर चलते हैं, यहां पर आपका जो भी डिसिप्लिन है, आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स हो या ITI स्टूडेंट्स हो, उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड की कितनी वैकेंसी है आप यहां पर देख सकते हो, उसका क्या पे स्किल है एंड उसको किस प्रकार रिजर्वेशन में डिवाइड किया गया। हम डायरेक्टली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ओर चलते हैं और वहां पर डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है 29 मार्च 2022 से स्टार्ट होंगे, एंड इसकी लास्ट डेट की यदि हम लोग बात करें 28 अप्रैल 2022 आप लोगों की लास्ट डेट है। एंड साथ ही साथ इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें जो पेमेंट करना होगा वह आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करना होगा और अपने डॉक्यूमेंट्स एवं एप्लीकेशन का प्रिंट जेरोक्स करा के सेल्फ अटेस्टेड एंड ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट आप लोगों को पोस्ट करना होगा। तो इन चीजों को समझ लीजिएगा, आगे मैं क्लियर करूंगा। जिसकी लास्ट डेट उन्होंने दी गई है 9/5/2022 आप लोगों की लास्ट डेट है उसकी। अब यहां पर यदि हम लोग देखें ITI स्टूडेंट्स की बात करें, यहां पर अलग अलग है, जैसे कि इस पोस्ट की हम लोग बात करें बैचलर डिग्री होना चाहिए एंड साथ ही साथ एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस सभी ट्रेड के लिए यहां पर सभी पोस्ट के लिए मांगा गया है, जो कि मिनिमम 2 ईयर है, किसी में 1 ईयर है। अब यहां पर यदि हम लोग फिटर ट्रेड की बात करें, स्ट्रक्चरल फिटर की यहां पर 34 पोस्ट है, इसमें कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे, यहां पर जिन्होंने ITI कंप्लीट किया। अब यहां पर क्लियरली बोल रहा है सबसे पहले तो आपकी ITI कंप्लीट होना चाहिए, देन उसके साथ में आप लोगों के पास में ITI यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वह स्ट्रक्चरल फिटर से हो फिटर जर्नल से हो या सीट मेटल वर्कर ट्रेड से हो, तो ये सभी स्टूडेंट्स यहां पर गाइस अप्लाई कर पाएंगे स्ट्रक्चरल फिटर पोस्ट के लिए। यहां पर टोटल 34 पोस्ट है। अब एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस की यदि हम लोग बात करें, यहां पर क्लियरली बोला है यहां पर मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द लाइन। यहां पर क्लियरली यदि आप लोग जनरल इंस्ट्रक्शन में भी देखते हो, नीचे जनरल कंडीशन दी गई है, वहां पर भी इन्होंने कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री से ही आप लोगों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप लोगों की लाइन यानी कि आपका जो मैकेनिकल फिटर है उससे रिलेटेड आपके पास में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर पाओगे, बट यहां पे कंडीशन क्या है, एक्सपीरियंस की उन्होंने डेट मेंशन करी गई है, तो हम उसको यहां पर नीचे देख लेंगे कि किस डेट से किस डेट के बीच में आप लोगों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप यहां पर एलिजिबल हो। तो गाइस यहां पर जनरल कंडीशन के 7 नंबर के पॉइंट पर इन्होंने क्लियर किया है, जो आप लोगों का
एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस है वह कट ऑफ डेट से 3 ईयर पुराना नहीं होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट का जो कट ऑफ डेट है वह 28 फरवरी 2022 है, यानी कि इससे 3 साल से पहले का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों का एक्सपीरियंस किस डेट के बीच का होना चाहिए? 28 फरवरी 2019 से लेकर 28 फरवरी 2022 के बीच का वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है तो ही वो लोग कंसीडर्ड करेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है जब आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाते हो उस कंडीशन में। गाइस यदि नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक की टोटल 2 पोस्ट है। यदि हम लोग एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर क्लियरली बोला गया है द कैंडिडेट शुड पासेस आईटीआई एंड एनसीटीबीटी यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट और आईटीआई इन ट्रेड ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक। यानी कि यहां पर गाइस जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट की ओर बोल रहा है, यहां पर ये उन स्टूडेंट्स की ओर इंडिकेट कर रहा है जिन्होंने डायरेक्टली विदाउट आईटीआई अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लिया है, यानी कि जो डायरेक्टली अप्रेंटिसशिप करके जिनको एनएसी सर्टिफिकेट मिला है, या फिर जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं ओनली आईटीआई जिन्होंने किया है रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक से, वो लोग भी यहां पर एलिजिबल होंगे यहां पर और में करके क्लियरली बोला गया है। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों के पास में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसी प्रकार वेल्डर की बात करें, वेल्डर में भी ओनली वेल्डर से आईटीआई किया है आप लोग एलिजिबल हो, 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों को मांगा गया है। 3G वेल्डर की बात करें, सेम यहां पे आप लोग देख सकते हो जितनी भी ट्रेड यहां पे दी गई है, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो या इलेक्ट्रिकल मैकेनिक की बात करें, टोटल 11 पोस्ट है। यहां पर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट एलिजिबल है। यदि आपने अप्रेंटिसशिप नहीं भी किया है तब भी आप यहां पर एलिजिबल है, बट 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास में होना चाहिए। तो जो भी आप लोगों की ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पास में आईटीआई होना चाहिए, साथ ही साथ आप लोगों के पास में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी यहां पे जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स है वो लोग यहां पे देख सकते हो आप लोगों का सेम डिप्लोमा प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों के रिलेवेंट डिसिप्लिन से होना चाहिए तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। अनस्किल्ड की यहां पर 20 पोस्ट है, यहां पर 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना मस्ट है। एंड यहां पर आईटीआई कैंडिडेट को भी प्रेफरेंस दिया जाएगा जो कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में बोला गया है। आपको जनरल कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। जनरल कंडीशन में आप लोगों का सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर होना चाहिए जो एप्लीकेशन फीस है वह 200 रुपीज रहने वाली है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, जो कि आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जो है भेजना होगा, जो कि गोवा सिपैड लिमिटेड के नाम से आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। और जो कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहां पर कोई भी फीस जो है लगने वाली नहीं है। यहां पर वही चीजों को क्लियर किया है कि जो आप लोगों की रिसिप्ट है, हार्ड कॉपी है एप्लीकेशन की, या रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट है, वो यदि उनको रिसीव्ड नहीं होता है जो डेट दी गई है उससे पहले, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है और उसकी 2 कॉपी आप लोगों को निकालनी होगी। 1 कॉपी गोवा सिपयार्ड को भेजना होगा विथ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जेरोक्स करा के, सेल्फ अटेस्टेड, एंड आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म और डिमांड ड्राफ्ट, और 1 कॉपी अपने पास में फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप लोगों को सेव करना होगा। तो ये चीजें यहां पे गाइस ये लोग क्लियर कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। बाकी यहां पर फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी वालों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एंड यहां पे कुछ अदर इंफॉर्मेशन दी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। यहां पे क्लियरली जो एड्रेस है वो आप लोग यहां पे देख सकते हो, इस एड्रेस पर आप लोगों को अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट और साथ ही साथ अटैच करना है अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी आप लोगों का है, पासपोर्ट, एज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, जो भी आप लोगों के रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट भी भेजना पड़ेगा ओरिजिनल, इस पते पर आप लोगों को भेज देना है। राइट, आप लोगों की जो लास्ट डेट है वह 28/4/2022 है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, एवं जो रिसिप्ट प्राप्त करने की लास्ट डेट है वह 9/5/2022 आप लोगों की लास्ट डेट है, यानी कि इस डेट से पहले उनको हार्ड कॉपी मिल जाना चाहिए। तो आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। यदि वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, यदि कुछ भी डाउट लगता है तो कॉमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।